अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में मैं ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ जिसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है। तो इसमें सिर्फ हम पॉजिटिव इंटीजर्स को कंसिडर करेंगे, यानी कि जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ आएंगी उनमें सिर्फ हम पॉजिटिव इंटीजर्स को कंसिडर करेंगे, और अगर कोई रियल नंबर्स आते हैं तो उनको हम इग्नोर कर देंगे। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, और मैं उसके लिए पुट कर रहा हूँ टी को इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, और मेरे पास जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी इक्वल्स टू टी स्क्वायर। इसी तरह मैं अंडर रूट वाई को डब्ल्यू के इक्वल पुट कर रहा हूँ, और तो यहाँ से मेरे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू स्क्वायर। अब ये मैं जो मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं मैं इनको इक्वेशन वन और टू में पुट करूंगा, तो हमारे पास इक्वेशन वन एंड टू जो है वो कुछ इस तरह की फॉर्म उसकी आ जाएगी। इक्वेशन वन आ जाएगी टी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू सेवन, और इक्वेशन टू आ जाएगी टी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू अलेवन। अब मैं इन इक्वेशंस को इसको इक्वेशन थ्री कह देता हूँ, और नेक्स्ट वाली को मैं इक्वेशन नंबर फोर कह देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर थ्री से मैं आप टी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। आप सिमिलरली इक्वेशन फोर से डब्ल्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन किसी एक की हम वैल्यू निकाल लेते हैं, और मैं थ्री से टी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। टी की वैल्यू आ जाएगी सेवन माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, और इस वैल्यू को मैं आप इक्वेशन नंबर फोर में पुट कर दूंगा, यानी कि जो टी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू इक्वल टू अलेवन है उसमें पुट करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा सेवन माइनस डब्ल्यू स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू अलेवन। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, स्क्वायर रूट ओपन करूँगा, तो जब स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो आ जाएगा 49 माइनस प्रोडक्ट सेवन और डब्ल्यू स्क्वायर की जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगी 14 डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का आ जाएगा स्क्वायर डब्ल्यू पावर फोर W as it is and this is equal to 11। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके मज़ीद, मेरे पास आ जाएगी W पावर फोर माइनस 14 W स्क्वायर प्लस W, और 49 में से जब मैं 11 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास 38 रह जाएगा, और राइट हैंड साइड पे मेरे पास ज़ीरो रह जाएगा। तो ये डिग्री फोर की इक्वेशन है, और 38 के जो पॉसिबल डिवाइजर हैं वो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस 19 हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ किया है मैंने, इसके रूट्स निकाले हैं, और यहाँ पे मैं वीडियो में सिर्फ जो कैलकुलेशन है वो टू के लिए शो कर रहा हूँ। तो ऐसे लिखूँगा वन ज़ीरो, क्योंकि डब्ल्यू क्यूब नहीं है इसलिए ज़ीरो आएगा, बाकी ये कोफिशेंट आपके सामने है। यहाँ पे टू लिखा, टू को वन से मल्टीप्लाई किया, टू टू आंसर आ गया, फिर फोर सब्ट्रैक्ट किया माइनस टेन माइनस ट्वेंटी और माइनस नाइनटीन, और एंड में हमारे पास माइनस 38 आ गया जो कि इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब मैं इसको ऐसे लिख लूँगा W माइनस टू, और बाकी जो रिमेनिंग टर्म है वो क्यूब प्लस टू डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टेन डब्ल्यू माइनस नाइनटीन एंड दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब मेरे पास दो फैक्टर हैं, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, एक ये ज़ीरो हो सकता है, या दिस क्यूबिक इक्वेशन इज़ आल्सो इक्वल टू ज़ीरो। इस क्यूबिक इक्वेशन के जो मैंने रूट्स हैं वो भी मैं लिख देता हूँ, वो ये हैं, जो रियल नंबर्स हैं उनको हम इग्नोर करेंगे और सिर्फ हम जो वैल्यू कंसिडर करेंगे वो डब्ल्यू इज इक्वल टू टू वाली वैल्यू कंसिडर करें। तो हमें पता है डब्ल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट वाई के इक्वल है, तो अंडर रूट वाई इक्वल टू आ जाएगा टू के इक्वल, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमारे पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू फोर। तो अब ये जो वाई इज इक्वल टू फोर आया मैं इसको इक्वेशन नंबर टू पे पुट करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फोर एंड दिस इज इक्वल टू अलेवन। दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फोर टू आ गया, और राइट हैंड साइड पे अलेवन है। अब 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 रह जाएगा,
सो मेरे पास एक्स की वैल्यू 9 आ गई और वाई की वैल्यू आ गई 4। यही सोल्यूशन है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।